Hey guys, how's it going, man? आज मैं Budweiser का रिव्यू करूंगा. उम्मीद है आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आएगा और मेरी बातें भी ठीक लगेगी. ये है 150 रुपये की बॉटल, 650 मिलीलीटर की आती है. मैंने 3 खरीदी है आज सिर्फ आपके लिए और अपने लिए. शुभकामनाएं देरी नहीं. आपको ये जान के शायद अच्छा लगेगा कि ये मेरी पहली बियर थी जिससे मुझे बियर का शौक चढ़ा. हुआ क्या कि कुछ गलत सामान हमने यूज़ कर लिया था, तो उसके बाद गर्मी बहुत बैठ गई थी गले में और फिर कैच हो गया. Budweiser फॉर यू. एक्सपायर नहीं हुई, मैं यही चेक कर रहा था. Feb 23 को एक्सपायर होगी 2019. वेलकम टू दिसंबर. आप लोगों में से जो भी देख रहा है दिसंबर के महीने में, मैंने पता नहीं अपने चश्मे क्यों निकाल दिए. पहन लेता हूँ, ज़्यादा बेटर नज़र आओगे आप लोग. सो जैसे कि मैं कह रहा था, ये मेरी पहली बियर थी, मुझे बहुत पसंद थी ये. एक दिन बहुत गर्मी लग रही थी मेरे गले में और मेरे दोस्त ने ला के ये मेरे को दे दी और फिर मैंने इसकी ऐसे मैंने इधर तक पी ली मैंने पहले एक झटके में, और उसके बाद से मेरे को बियर का शौक पड़ जाएगा. काफ़ी अच्छी बॉटल होती है, इनका काफ़ी अच्छा लुक होता है. पर हमने लुक से कुछ नहीं करना, हम टेस्ट की बात करेंगे. थोड़ा आर्टिफिशियल टेस्ट है Budweiser का. वो आर्टिफिशियल टेस्ट इसलिए है क्योंकि अब जैसे पीते हैं ऐसे, मुझे डेफिनेटली मेरे टंग में थोड़ा आर्टिफिशियल टेस्ट आता है, एक अजीब सा टेस्ट. जाहिर सी बात है, आप पहले एक दो बियर में वो नोटिस करेंगे, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, आप नोटिस ही नहीं करेंगे उसे. अगर मैं कोई और बियर पी रहा हूँ, मान लीजिए मैं फॉस्टर पी रहा हूँ और मैं फॉस्टर की कुछ बॉटलें पी जाता हूँ, उसके बाद अगर आप मुझे Budweiser पीने को बोलोगे तो मुझसे नहीं पी जाएगी शायद. अमेरिकन बियर है ये Budweiser. टेस्ट के लिए मैं इसको दूंगा 7/10. काफ़ी अच्छा हाई देती है ये, एंड इट्स बिटवीन बीइंग वेरी प्रीमियम एंड बीइंग एवरेज और बिलो एवरेज, तो बीच की है. इट्स अ गुड बियर, इट्स अ रिलायबल ब्रांड, इट टेस्ट प्रीटी गुड. आई डोंट नो व्हाई आई एम वेयरिंग अ जैकेट एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टू यू, बट क्या करें, ठंड बढ़ गई है यहाँ पे. Yes, so that was my quick review for Budweiser in Hindi. For an English review, please stay tuned. Thank you for watching. Shukriya dosto. Thank you.